हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन स्टडी किए हैं। अब डोमेन एंड रेंज के ऊपर काफी सारे सवाल अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा जा रहा हूँ, जिससे कि हेल्प मिलेगी आपको डोमेन फाइंड करने में। मैंने जैसे हेडिंग लिखा है, सम पॉइंट्स टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, कुछ पॉइंट लिखिए आप। फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, ये दे दिया जाए। डोमेन का मतलब आप जानती हैं, डोमेन में करना क्या होता है आपको? अगर किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, फंक्शन मतलब मशीन, फंक्शन का डोमेन फाइंड करना मतलब उस मशीन को काम करवाना, फंक्शन को काम करवाना, फंक्शन को काम करवाने का मतलब फंक्शन को डिफाइन करना। तो किसी भी फंक्शन का आप डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब आपको उस फंक्शन को डिफाइन करना है। एक्स की ऐसी वैल्यूज का सेट फाइंड करना आपको, जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, वो डिफाइन हो जाए, वो फंक्शन काम करना स्टार्ट कर दे। रूट एफ एक्स, एफ एक्स तो अभी आपको मालूम नहीं है, जब आपको एफ एक्स दिया जाएगा तो एफ एक्स की बात करेंगे आप, बट अभी तो ये रूट दिख रहा है आपको। रूट फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब उसका इनपुट कैसा हो जाए, जीरो या जीरो से बड़ा हो जाए। तो अगर ये अगर दे रखा आपको, तो एफ एक्स कैसा होना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब एफ एक्स भी कुछ दे रखा होगा आपको, तो एफ एक्स को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ओनली रूट को डिफाइन कर दिया आपने, उस फंक्शन के अंदर जितने भी और फंक्शंस काम आ रहे हैं, यानी एवरी पोर्शन ऑफ दैट फंक्शन, या कहें तो एवरी फंक्शन शुड बी डिफाइंड। उस फंक्शन के अंदर हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा फंक्शंस भी काम आ रहे हो। जैसे मशीन होती है, तो मशीन के अंदर एक से ज्यादा यूनिट भी लगी होती हैं। वो मशीन तभी काम करती है जब सारी यूनिट क्या करती हैं, काम करती हैं। फंक्शन के साथ भी ऐसा ही है, अगर फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन जुड़े हुए हैं, तो हर फंक्शन का काम करना जरूरी होता है। हर फंक्शन काम करेगा तभी अल्टीमेट आपका जो पूरा फंक्शन काम कर पाएगा, यानी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन शुड बी डिफाइंड। हर पार्ट को डिफाइन करना होता है, जितने भी फंक्शंस काम आ रहे हैं सभी को डिफाइन करिए आप। और लास्ट में आप बोल रहे हैं कि सभी काम करने चाहिए, मतलब सभी को डिफाइन करेंगे, और लास्ट में जिनके जो जो एक्स मिल रहे हैं आपको वन बाय वन सभी से, उनका क्या ले लेंगे आप, कॉमन पार्ट ले लेंगे। बिकॉज ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, सबका कॉमन पार्ट फाइंड कर लेंगे। तो अभी तो आपको एफ एक्स मालूम नहीं है यहाँ पे, जब एफ एक्स दिया जाएगा तो आप उसको भी डिफाइन करने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल दे दिया आपको, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया y इक्वल टू, मान लेते हैं log ऑफ x, ये मान लिया मैंने, बेस टू मान लिया। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब देखो फंक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो रूट फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि ओनली रूट को डिफाइन कर दिया आपने, लॉग जो फंक्शन है उसको भी आप डिफाइन करेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या बोलोगे, रूट को समस्या होती है, उसकी समस्या दूर करिए आप, और रूट की समस्या दूर करने के लिए उसका जो इनपुट है वो कैसा होना पड़ेगा, जीरो या जीरो से बड़ा। एंड अब लॉग को भी समस्या है, वो डिफाइन कब होता है, जब उसका आर्गुमेंट कैसा बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, और बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू वन, जो कि टू है, पॉजिटिव भी है साथ में वन भी नहीं है, बेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो और लास्ट में कॉमन पार्ट निकाल लो दोनों का, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। क्लास 11th में ये फंक्शन स्टडी करके आ रहे हैं, लॉगरिथम फंक्शन, उसके रूल्स आप जानते हैं। और इवन आपने ये भी देखा होता है कि अगर किसी भी इन इक्वेशन, कोई अगर आपको इन इक्वेशन दिया हो रहा है, दे रखा होता है, उस पे अगर आप कोई फंक्शन लगाते हैं या वहां से कोई फंक्शन हटाते हैं आप, तो आपको उस फंक्शन का नॉलेज होना जरूरी है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग था या फंक्शन डिक्रीजिंग था। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन किसी इन इक्वेशन पे आपने ऑपरेट करवाया या फिर उसको वहां से हटाया, ऐसा करने से उसे इक्वेशन के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने डिक्रीजिंग फंक्शन उस पे लगा दिया या हटा दिया, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर है तो क्या बन जाएगा, लेस, और लेस देन पे क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। तो जब भी किसी इन इक्वेशन पे कोई फंक्शन आप लगाएं या वहां से हटाएं, तो ऑलवेज उसका नेचर चेक करिए आप, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। डायरेक्टली गलती से भी नहीं उसको हटाएंगे या फिर लगाएंगे। लॉग फंक्शन है, बेस टू है, आप जानते हैं लॉग के बारे में, अगर बेस लॉग का वन से बड़ा होता है ग्राफ बनता है उसका इंक्रीजिंग, अगर बेस लॉग का जीरो से वन के अंदर होता है ग्राफ बनता है उसका डिक्रीजिंग। बेस टू है, वन से बड़ा है, इंक्रीजिंग है,
यानी इसको अगर आप हटाएंगे यहाँ से तो इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस लॉग को हटने का मतलब ये 2 जाएगा राइट हैंड साइड में और यहाँ बचेगा एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर 0, कितना हो गया 1। इनका कॉमन पार्ट निकाल लो, बताइए कितना आ जाएगा। ये बोल रहा है 0 से बड़ा और यहाँ बोल रहे हैं आप 1 या 1 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट हो जाएगा आपका 1 या 1 से बड़ा। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 क्लोज टू इन्फिनिट ओपन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अगर आपको दे रखा हो 1 बाई fx, fx अब मालूम नहीं है आपको, fx जब दिया जाएगा तो fx की बात भी करेंगे, पर अभी आपको दे रखा है 1 बाई fx, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? आप जानते हैं कि dr में कभी जीरो नहीं बनना चाहिए, समथिंग बाई जीरो ऑलवेज क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए fx शुड बी नॉन जीरो। थर्ड पॉइंट पे आता है, अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दूं मैं और बना दिया मैंने एक अलग पॉइंट 1 बाई रूट fx, तो यहां पे क्या कमेंट करेंगे आप? रूट तो है ही बट 1 अपॉन दे रखा है मैंने, तो रूट को डिफाइन करने के लिए उसका इनपुट मीन्स fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये dr के अंदर भी आ रखा था, यहां पे fx जीरो भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या लिखोगे, fx कैसा होना चाहिए? ऑनली जीरो से बड़ा होना चाहिए। फोर्थ, अगर दे रखा हो आपको fx cgx या फिर दे रखा हो आपको fx pgx, c फॉर कॉम्बिनेशन एंड p फॉर परम्यूटेशन, ncr npr पढ़ के आते हैं आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। अब ncr या फिर npr ये डिफाइन कब होते हैं? जब n यानी अपर इंडेक्स, r n लोअर इंडेक्स, अपर इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंडेक्स, और अपर इंडेक्स कैसा नंबर होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर, और लोअर इंडेक्स कैसा नंबर होना चाहिए? एक होल नंबर। तो ये अपर इंडेक्स है और ये इसका लोअर इंडेक्स है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या लगाओगे? fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू gx। सेकेंड कंडीशन, अपर इंडेक्स यानी fx ये क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू कैपिटल N। एंड थर्ड कंडीशन, लोअर इंडेक्स यानी gx ये क्या होना चाहिए? एक होल नंबर। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तीनों को सोल्व करके तीनों से जो भी रेस्पेक्टिव एक्स आएंगे उनका कॉमन पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, और जो कॉमन एक्स आएंगे वही क्या होंगे, वही जो उसका जो सेट बनेगा दैट विल बी डोमेन ऑफ दिस एंड दिस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, लिखवा दिए मैंने। एक पॉइंट और देखते हैं इसके अंदर अपन, फिफ्थ पॉइंट, लेट डोमेन्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर d1, d2 रेस्पेक्टिवली, दोनों के डोमेन आपको दिए जा रहे हैं, देन डोमेन ऑफ फर्स्ट वन f प्लस जी ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे आप f प्लस जी, एक फंक्शन है पूरा ऑफ एक्स, इसका आर्ग्यूमेंट कितना x है, इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख पाएंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, बाद की ये लिखो या फिर ये लिखो। अब अल्टीमेटली आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, और यहां पे क्या है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पूरे फंक्शन को मान लिया, मान ले एक बार इसको नाम असाइन कर दिया मैंने एच एक्स बोल दिया, एच एक्स एक फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना है मेरे को। अब एच एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर दो फंक्शन काम आ रहे हैं, एक एफ और एक जी, दोनों का सम बन रहा है। अब कोई मशीन को काम करवाना मतलब उसके अंदर जितने भी आपने यूनिट्स लगा रखी होती है सारे काम करनी चाहिए, और यहां पे फंक्शन एज ए मशीन ही काम करता है आपका, तो एफ भी काम करना चाहिए एंड जी भी काम करना चाहिए, यानी एफ भी डिफाइन होना चाहिए एंड जी भी डिफाइन होना चाहिए, और एफ का डिफाइन होने का मतलब x क्या होना चाहिए इसके डोमेन में, और इसका डोमेन क्या है, d1, यानी x belongs to d1, g का काम करना मतलब x इसके डोमेन में होना चाहिए मतलब x belongs to d2, ये भी होना चाहिए एंड ये भी डिफाइन होना चाहिए मतलब d1 intersection d2। तो एक से ज्यादा फंक्शन जब भी आपको, यानी एक से ज्यादा फंक्शन का अलजेब्रा जब भी आपको दे दिया जाए, दो फंक्शन हो, तीन हो, 10 हो, 20 हो, कोई मतलब नहीं उस समय,
अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको दे रखे हैं प्लस में माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, एक से ज्यादा फंक्शन का अल्जेब्रा जब भी दे रखा हो, हर फंक्शन का डोमेन निकालिए आप और जो रेस्पेक्टिव डोमेन आते हैं लास्ट में उनका फाइंड कर लीजिए कॉमन पार्ट, बिकॉज हर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी होता है। तो बताओ यहां पे क्या बोलोगे, डोमेन क्या बन जाएगा इसका, डोमेन ऑफ दिस वन या फिर दिस वन, एक ही बात है, डी वन या फिर एक्स बोल दो, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, डी वन इसका डोमेन और डी टू इसका डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना आपको। अगर यहां पे माइनस हो जाए एफ माइनस डी ऑफ एक्स, इसको लिखना चाहें तो आप एफ एक्स माइनस एक्स बोल पाएंगे, सेम वही तरीका, ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, यानी x बिलोंग करना चाहिए d1 को इसके अकॉर्डिंग, x बिलोंग करना चाहिए d2 को इसके अकॉर्डिंग, दोनों डिफाइन होने चाहिए, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो वो दे रखा होगा f इंटू जी ऑफ x, f इंटू जी एक फंक्शन बनेगा और इसका आर्ग्यूमेंट कितना है x, उसको लिखना चाहें तो आप लिख पाएंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, बात एक ही है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई भी फंक्शन लेके आप इन रूल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगेन ये भी काम करना चाहिए एंड ये भी काम करना चाहिए, मींस डोमेन अगेन क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। अगर डिवीजन में दे रखा हो, सपोज आपको मिल रखा है f बाई जी ऑफ x, इसको लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स। अब इस फंक्शन को मेरे को डिफाइन करना है, तो ये पूरा फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब एफ एक्स भी डिफाइन होगा एंड जी एक्स भी डिफाइन होगा, एंड साथ में एक दिक्कत और है, ये जी एक्स जीरो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर जीरो हो गया जी एक्स तो समथिंग बाय जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप, एक्स बिलोंग्स टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू, ये तो होना ही चाहिए, अभी तो क्या बोला आपने, एफ और जी को डिफाइन कर दिया आपने। अब गलती से अगर इस सेट में कोई ऐसा एक्स हो गया जिसपे जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो एक्स दिक्कत करेगा, उसको हटाना पड़ेगा, हटाइए, माइनस दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेर जी एक्स इक्वल टू जीरो। बाकी में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बिकॉज बाकी में कुछ डीआर में था ही नहीं, यहां पर डीआर में जीएक्स लिखा है, इस कारण से एक्स्ट्रा पार्ट आपको माइनस करना पड़ रहा है। तो इन टोटल आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि जब भी एक से ज्यादा फंक्शंस का अलजेब्रा दे रखा हो तो हर फंक्शन का डोमेन निकालेगा और देन जो भी रेस्पेक्टिव डोमेन आते हैं लास्ट में उनका इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए आप। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं, और देन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर ही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया, मान लेते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, इस फंक्शन का डोमेन निकालना आपको, एंड इसको डिफाइन करना है। तो देखिए कितने फंक्शन काम आ रहे हैं यहां पे, एक तो ये वाला फंक्शन एंड एक ये वाला, दोनों सम के फॉर्म में दे रखे, तो दो फंक्शंस का आपको अलजेब्रा दिया जा रहा है, तो इसको भी डिफाइन करिए एंड इसको भी डिफाइन करिए। अब यहां पे फंक्शंस कौन कौन से काम आ रहे हैं वो देखिए आप, एक तो रूट फंक्शन काम आ रहा है और एक काम आ रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की हर रियल वैल्यू पे क्या होता है, डिफाइन होता है, यानी एक्स की हर रियल वैल्यू पे कोई ना कोई वाई आपको वहां पे जरूर मिल जाता है। तो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उनका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी उनको डिफाइन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। डिफाइन ओनली किसको करना है, आपको रूट को डिफाइन करना है, तो करिए डिफाइन, आप क्या कमेंट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एंड इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर कैसा, ओनली जीरो से बड़ा, बिकॉज जीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डी आर में आ रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो आप, फैक्टर्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन वन टू प्लस माइनस प्लस, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, क्लास 11 से पढ़ रखा है हमने। तो आपको जी पॉजिटिव पार्ट, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो यहां बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन
यूनियन 2 टू इनफाइनिटी। अगर इस वाले की बात करें, फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, अगेन नंबर लाइन 1 4 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ बन गया आपका x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनिट टू 1, ओपन रहेगा 4 टू इनफाइनिट, लास्ट में दोनों का कॉमन पार्ट, बताइए कॉमन पार्ट क्या आएगा। ये बोल रहा है माइनस इनफिनिट से 1 और यहां बोल रहा है माइनस इनफिनिट से, यहां पे 1 पे क्लोज और यहां पे 1 पे ओपन, तो ये पार्ट तो दोनों में कॉमन हो गया, क्या बन गया माइनस इनफिनिट से लेके 1, 1 पे क्या रहेगा ओपन रहेगा, बिकॉज 1 यहां पे नहीं है और यहां पे है, तो कॉमन पार्ट में नहीं आएगा। यूनियन सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, ये बोला 2 से बड़ा और बोल रहा है 4 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट क्या होगा 4 से बड़ा होगा, इट विल बी 4 टू इनफिनिट, 4 पे रहेगा ओपन, ये बन गया इसका डोमेन। यानी ओनली x की इनी वैल्यूज के लिए क्या होगा ये फंक्शन डिफाइन होगा, इनी वैल्यूज पे फंक्शन काम करेगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें और ले लेता हूं मैं, जैसे फंक्शन दे दिया आपको y इक्वल टू रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है। सेम तरीके से बनाइए, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा इसमें आपको मैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है जितने भी फंक्शन है सबको डिफाइन करो लाइन से। तो बताओ फंक्शन कितने काम आ रहे हैं यहां पे, एक तो फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, अब यहां पे रूट फंक्शन है और साथ में एक साइन एक्स फंक्शन भी है। साइन एक्स फंक्शन क्लास 11 तो पढ़ा होगा आपने, उसका डोमेन क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, तो साइन को कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉलीनोमियल है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत ओनली किसको है रूट को, तो उसकी दिक्कत को आप रेक्टिफाई करिए। तो फर्स्ट के लिए क्या बोलेंगे आप, साइन एक्स कैसा होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, एंड सेकंड वाले के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा। ये बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन, सिंप्लीफाई करने का तरीका बाई ग्राफ, और यहां पे इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन गया आपका लेस देन इक्वल टू 16, रूट लगा देंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 16 विल बी 4, और इसको लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, एक्स बन जाएगा यहां पे माइनस 4 से प्लस 4। अब इसको बाई ग्राफ सिंप्लीफाई करने वाले हैं, अब ऐसा नहीं कि इसका पूरा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन आप निकालने वाले हैं, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो भी जनरल सॉल्यूशन बनता है और ये जो आंसर बना है उनका कॉमन पार्ट निकाल लो, या फिर यूं सोचो आप जब मुझे दोनों का कॉमन पार्ट ही फाइंड करना है तो जो कॉमन वैल्यूज बनेंगी एक्स की क्या वो इस इंटरवल से बाहर पॉसिबल है, क्या कॉमन वैल्यूज डेफिनेटली इसके अंदर ही बनेंगी, इसे बाहर तो पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको ही वेरीफाई करो ना कि इस इंटरवल के अंदर साइन कहां कहां पॉजिटिव आ रहा है, क्यों फालतू में इसको पूरा सिंप्लीफाई किया जाए। तो बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ किसका बनाएंगे आप, y इक्वल टू साइन एक्स का एंड y इक्वल टू जीरो का, y इक्वल टू साइन एक्स, ये लो जी ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई, ये माइनस पाई और ये आगे माइनस टू पाई हो जाएगा, माइनस फोर से फोर में चेक करना आपको कहां पे साइन पॉजिटिव होगा, तो फोर कहां पे आएगा, ये पॉइंट यहां पे बनता है आपका पाई प्लस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू फोर से बड़ा ही होता है, तो फोर से पहले आ जाएगा, फोर समथिंग यहां पे आ गया, ऐसे ही माइनस फोर यहां पे आ जाएगा, माइनस फोर से फोर में चेक करना आपको कि कहां कहां साइन पॉजिटिव है, यानी कहां कहां साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आपको दिख रहा है। देखिए जरा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक पार्ट ये हो गया, अब इनका एक्स लिख दो बस, बताओ फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, कॉमन वैल्यूज के लिए सोल्व कर रहा हूं डायरेक्टली मैं यहां पे, तो ये बन गया माइनस फोर से स्टार्ट हुआ देन माइनस पाई पे एंड यूनियन जीरो से स्टार्ट एंड पाई पे, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लिखिए, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे।
फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन. ओके फर्स्ट y इक्वल टू, अब y इक्वल टू बोलो या फिर fx इक्वल टू बोलो, बात एक ही है. तो फर्स्ट इसमें लिख दीजिए, अभी सो कुछ ही बनाते हैं अपन. से बना दिया मैंने x माइनस टू की पावर 7, x की पावर 101, देन x पावर 6 माइनस x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की पावर 102, x माइनस 2 की पावर ये हो जाएगा मान लेते हैं सपोज 5 मान लिया, और एक लगा दिया मैंने x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका लगा दीजिए आप स्क्वायर रूट. और कुछ देखिए क्वेश्चन सेकंड, y इक्वल टू नेक्स्ट ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है यहां पे, दिस वन फॉर GIF. नेक्स्ट ln ऑफ x बाय बॉक्स x, अगेन इस कंप्लीट का बॉक्स और देन इसका स्क्वायर रूट. अगेन जो बॉक्स है यहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, दिस वन इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मेंशन कर देना आपको GIF, दोनों ही है, ये वाला भी है और ये वाला भी. फिफ्थ देखिए, y इक्वल टू log base 2 ऑफ log base 1 by 3 ऑफ log base 1 by 4 ऑफ x का स्क्वायर रूट. ये log base 2 पे है और जो इसके आगे लिखा है पूरा इसके का आर्ग्यूमेंट है, मीन्स log इस log का आर्ग्यूमेंट कितना बन जाएगा, ये कंप्लीट. इस log का आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, ये पूरा कंप्लीट, जो log के आगे लिखा है पूरा इसका आर्ग्यूमेंट. सिक्स्थ सिक्स्थ लिखिए आप y इक्वल टू log ऑफ cos 2 पाई x बेस x का स्क्वायर रूट. नेक्स्ट y इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log of 9 minus 3 power x to the base 3 minus 3. यहाँ argument only bracket वाला है, because bracket mention कर दिया था. का square root. 8th. y equal to 1 upon box x plus log of x square minus 3x plus 10, और इसका base आपको दे रखा है 1 minus fractional part of x. ये यहाँ पे GIF है और यहाँ पे fractional part, simple bracket नहीं mention किया सवाल के अंदर, plus और आगे इसका part है कुछ 1 upon 2 minus mod x का root प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
sec ऑफ साइन एक्स वन अपॉन बॉक्स एक्स प्लस लॉग ऑफ दिस वन बेस दे रखा वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ऑफ साइन एक्स। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना आपको, और इनका जो डिस्कशन होगा, इवन जो इसके आंसर्स होंगे वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सोल्व करिएगा इनको। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।